theorem. For its proof, we take a plane, xy plane, in which the closed curve C is bounding the region R. C is a curve which has the property that a straight line parallel to the coordinate axis will cut at most two points. मतलब किसी भी आप एक डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस कर्व को दो हिस्सों में दो पॉइंट्स पे कम से कम कट करेगी। अब हम पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ए से बी तक जाएंगे और फिर हम बी से ए तक ऑन द अदर वे राउंड दूसरे रास्ते से आएंगे और इसका इंटीग्रल मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी देन द वाई एक्सिस हैव द सेम वैल्यू। y पे हम सेम जा रहे हैं जबकि x एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो फंक्शन द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए ई बी दैट विल बी y f1 ऑफ x एंड ए एफ बी। अगर आप ऊपर से आते हैं ए एफ बी तो देन इट इज y2। तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप पार्शियल m ओवर पार्शियल y d ऑफ x इसको इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, m ऑफ x y बच जाएगा और ये लिमिट लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, राइट साइड पे चली जाएगी। f1 टू f2 लिमिट पुट करेंगे जहाँ पे, क्योंकि इसको आपने इंटीग्रेट y के लिहाज से किया है तो y पे लिमिट है, तो जहाँ जहाँ y है यहाँ पे f2 माइनस फिर f1। तो ये टोटल कम फंक्शन जो है इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं ए टू बी बी टू ए। जब आप इसको ए टू बी करेंगे तो यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा तो ए टू बी बी टू ए ये क्लोज्ड इंटीग्रल बन जाएगा। इसको आपने पहले लिख दिया ए टू बी, इसको आपने इसकी लिमिट इन्वर्ट करके दूसरे उस पर बी ए कर दिया ताकि ये क्लोज्ड पाथ बन जाए। तो इट विल बिकम ए टू बी बी टू ए दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल एम डी एक्स सीनियर। सो पार्शियल एम पार्शियल y dx dy that will become the closed integral of m dx. अब हम इसका दूसरा हिस्सा लेंगे that is partial n over partial x dx dy और इसको हम क्या करेंगे differentiate integrate करेंगे with respect to x और y के ऊपर x के ऊपर अब लिमिट होगी। तो उसके लिए इक्वेशन x की पहली वैल्यू g1 of x दूसरी g2 of x उसी तरीके से करेंगे और ये आपके पास closed integral बन जाएगा closed integral of m dy। तो इन दोनों इक्वेशंस को वन और टू को जब आप सम अप करेंगे यू विल गेट द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो यू विल गेट द स्टेटमेंट। सिमिलरली इफ यू हैव एन डायमेंशनल सिस्टम देन यू एंड वी आर द टू स्केलर फंक्शंस डेल डॉट यू डेल वी। इसको आप यू इंटू वी के फार्मूले से खोलेंगे यू डेल डॉट डेल वी प्लस यू डेल यू डॉट डेल वी। सिमिलरली अगर आप इनकी पोजिशंस को चेंज कर दें यू की बजाय वी और वी की बजाय यू तो डेल डॉट वी डेल यू, ये भी उसी यू एंड वी के तरीके से यू प्लस यू डॉट वी के तरीके से ओपन किया। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट से क्या मुराद है, इनके साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट जाएगा। बाकी ये साइड आपने देख दी के और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल लगा दिया। वॉल्यूम इंटीग्रल लगाने के बाद आप इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम लगाएं तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो ये सॉरी गॉसेस लॉ लगा दें इसके ऊपर, सिंपली गॉसेस लॉ लगाएं तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यू डेल डॉट डेल वी माइनस वी डेल डॉट डेल यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ यू डेल वी माइनस वी डेल यू डी ऑफ सिग्मा मीन सरफेस इंटीग्रल। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं यू डेल स्क्वेयर वी माइनस वी डेल स्क्वेयर यू डी ऑफ टाउ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ यू डेल वी माइनस वी डेल यू। थैंक यू।